नागपुर में निर्माण के पहले ही शहर के सबसे बड़े आकर्षक रही शहर की सबसे ऊंची इमारत कुकरेजा इन्फिनिटी बीते कुछ दिनों में विवादों में घिर गई थी, जिसे हाईकोर्ट से क्लीन चिट दी गई है। रक्षा विभाग द्वारा इस इमारत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उनसे अनुमति न लेने की बात पर जोर था। इस आक्षेप के बाद यहाँ रह रहे निवासी बड़ी तकलीफ में और खुद को असहज महसूस कर रहे थे। न्यायालय में युक्तिवाद हुआ तो पक्षकार ने दिखाया, उन्होंने मनपा, अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी सबकी अनुमति नियमानुसार ले चुके हैं। वर्ष 2018 से 2022 तक इस इमारत का निर्माण कार्य चलता रहा है। वर्ष 2022 में निर्माण कार्य पूरा हुआ है और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया, जो नियमों से काम करने का प्रमाण है। खरीदारों को रजिस्ट्री करा दी गई है, सामान्य लोग रहने आगे हैं। उसके बाद यह आक्षेप किया गया, जिसके चलते बिल्डर और निवासियों की सांसें अटक गई थी, असुरक्षा उनके मन में घर कर गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस याचिका को ही सिरे से खारिज कर दिया और इस इमारत को क्लीन चिट दी गई है, जिससे तकरीबन 80 परिवारों की जान में जान आ पड़ी है। शहर की सबसे ऊंची इमारत जो कि रेसिडेंशियल इमारत है, ये बिल्डिंग है कुकरेजा इन्फिनिटी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये जो 28 फ्लोर वाली ये जो बिल्डिंग है, इसे हाईकोर्ट ने जो है क्लीन चिट दे दी है। इसका निर्माण कार्य 2018 से 2022 तक चल रहा था और उसके बाद रक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी और उसके बाद जो है सुरक्षा विभाग ने सुरक्षा के तौर पर इस बिल्डिंग को लेकर ये याचिका दायर की थी और उसे एक बार नागपुर खंडपीठ के मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जो है क्लीन चिट दे दी गई है। ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और 28 जो इसमें फ्लोर है, ये सबसे ऊंची नागपुर की बिल्डिंग है और एक इसे ये भी कहते हैं कि नागपुर का एक जो अच्छा निर्माण कार्य था वो भी इसे जानते हैं लोग, क्योंकि जब ये निर्माण कार्य इसका शुरू होना था तभी इसकी चर्चाएँ जो नागपुर में बहुत थी और इसे लेकर कई लोग जो है लोगों में उत्सुकता थी। लेकिन इसे लेकर रक्षा विभाग ने कुछ आक्षेप लिया था, आक्षेप दायर किया था, क्योंकि रक्षा विभाग की यहाँ पे बगल में ही कुछ कार्यालय है और उसे लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये याचिका जो है नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी और अब यहाँ कोर्ट ने जो है हाईकोर्ट ने इस पर क्लीन चिट दे दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।